हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपनी क्लास 9th का पहला चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, जिसमें हम लोगों ने अपने चैप्टर के सारे का सारे कॉन्सेप्ट्स को खत्म कर लिया था। आज हम लोग अपनी जो बुक है हमारी केमिस्ट्री की एशियन, उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टॉपिक 1 के क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। टॉपिक 1 में सबसे पहले आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 17 पर, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर समथिंग टू बी कॉल्ड मैटर। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर समथिंग टू बी कॉल्ड मैटर, किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी चीज को हम लोग मैटर बोले, ये किन कंडीशंस पे डिपेंड करता है या क्या कंडीशंस होती हैं जब किसी भी चीज को आप मैटर बोल सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन के लिए हमने डेफिनेशन पढ़ी थी मैटर की। मैटर इज एनीथिंग अराउंड अस व्हिच हैविंग सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज हमारे चारों तरफ जिसका कोई मास होता हो, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, उसे मैटर बोलते थे। तो मैटर होने के लिए या किसी सब्सटेंस को मैटर बोलने के लिए आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी। एक तो उस सब्सटेंस का कुछ ना कुछ मास होना चाहिए और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। तो हम लोग आंसर क्या करेंगे, टू कंडीशंस क्या हो जाएंगी, पहली तो हो जाएगी हैविंग मास एंड कैन ऑक्यूपाई स्पेस, तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो आपसे क्वेश्चन क्या बोला था कि किसी भी सब्सटेंस को आप मैटर कब बोल सकते हैं, किन कंडीशन में बोल सकते हैं। पहली कंडीशन, उसका कुछ मास हो, दूसरी कंडीशन वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूं, डेफिनेशन ही मैटर की यही थी ना। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। नेम टू प्रोसेसेस व्हिच प्रोवाइड द बेस्ट एविडेंस फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन मैटर। आपको ऐसे दो प्रोसेस का नाम बताना है जो एविडेंस देते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मोशन में है। तो इस चीज के लिए हमने दो चीजों को डिस्कस किया था, एक था डिफ्यूजन और दूसरा था ब्राउनियन मूवमेंट। डिफ्यूजन बोलते थे जब कोई भी पार्टिकल्स दूसरे टाइप ऑफ पार्टिकल्स के साथ में इंटरमिक्स होते थे, उस प्रोसेस को आप डिफ्यूजन बोल देते थे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर बर्निंग इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती को जलाया तो उसकी स्मेल पूरे के पूरे रूम में फैलने लगती, तो क्या हुआ, जो वेपर थी जो इंसेंस स्टिक से रिलीज हो रही थी, जो स्मेलिंग सब्सटेंस की वेपर थी, वो एटमॉस्फेयर के साथ इंटरमिक्स हो गई, जिसकी वजह से पार्टिकुलर स्मेल मिलने लगी। तो इसलिए हमने बोल दिया कि भाई इसका मतलब जो पार्टिकल्स थे जो वेपर के या स्मेलिंग सब्सटेंस के, वो क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, इसका मतलब मूवमेंट के लिए एविडेंस हो गया। जस्ट लाइक दैट दूसरा एविडेंस था आपका ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन होता क्या, पहले वो समझ लेते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट, अगर मूवमेंट की बात है तो मूवमेंट के लिए भाई एविडेंस तो हो जाएगा, लेकिन पहले समझते हैं होता क्या। देखिए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी गैसेस है वो ब्राउनियन मूवमेंट को पहले समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी सॉलिड को आपने किसी लिक्विड में या किसी गैस में मिक्स कराया, तो जब उस सॉलिड को आपने किसी लिक्विड में मिक्स कराया, फॉर एग्जाम्पल आपने कॉपर सल्फेट को लिया, वाटर में डिजोल्व करा, तो जो येलो कलर का क्रिस्टल था वो धीरे धीरे पूरा का पूरा उस वाटर में डिजोल्व हो जाएगा और वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा होगा। और वो जब मूव करेगा तो उसके पार्टिकल वाटर के पार्टिकल के साथ और अपने ही दूसरे पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करेंगे, और उस कोलिजन की वजह से, उन टक्करों की वजह से वो एक पर्टिकुलर पाथ में नहीं जा पाएगा। फॉर एग्जाम्पल इधर से कोई पार्टिकल इधर से कोई पार्टिकल आ रहा था, दोनों का कोलिजन हुआ, इधर चला गया, फिर उसके बाद किसी और से टकरा के ये इधर चला गया, फिर किसी और से टकरा के यहाँ आ गया, फिर ये आ गया। इस तरीके से यहाँ पे वेरियस पाथ, यहाँ पे जिगजैग मोशन जो होता है, इरेगुलर पाथ होता है, उसी को आप बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। हम लोग क्या बोलेंगे, द जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल्स विच आर सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट।
डेफिनेशन आप मेंशन कर लेंगे तो सिंपली कि जब किसी सॉलिड को लिक्विड या गैस में डालते हैं तो वो पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं, टक्कर मारते हैं, और उन कोलिजंस की वजह से उन पार्टिकल्स के पाथ चेंज होने लगते हैं, जिसकी वजह से एक रेगुलर पाथ नहीं मिलता, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता मिलता है, जिगजैग पाथ मिलता है, जिस मूवमेंट को आप क्या बोलते हैं, ब्राउनिंग मूवमेंट। तो कोई भी पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मैटर के जो पार्टिकल है वो मोशन में है, इसके लिए दो एविडेंस आपके कौन से हो गए, आंसर नंबर टू क्या लिखेंगे आप, टू एविडेंस फॉर मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा डिफ्यूजन और दूसरा हो जाएगा ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच सिंगल टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द मिक्सिंग ऑफ कॉपर सल्फेट एंड वॉटर कैप्ड इन ए वीकर ऑन इट्स ऑन। आप क्या सिंगल टर्म यूज करेंगे कि भाई जब आपने कॉपर सल्फेट के एक पीस को वाटर में डाला तो वो कॉपर सल्फेट अपने आप उसके साथ मिक्स हो गया। तो हमने बोला था कि अगर अपने ही आप चीजें एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होने लगती हैं तो उसे आप क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो इसके लिए जो सिंगल टर्म है वो आप क्या यूज करने वाले हैं, डिफ्यूजन यूज करने वाले। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए। When sugar is dissolved in water, there is no increase in the volume. Which characteristic of matter illustrated by this observation? जब हमने matter and our surrounding के starting में diffusion के आसपास या space को लेकर के चीजों को explain किया था कि particles of matter होते हैं, उनके बीच में कुछ space available होता है। उस चीज को जब explain किया था तो मैंने बोला था कि for example आपने क्या करा, एक beaker लिया, उस beaker में ले लिया water इस level का, इसमें आपने कुछ sugar dissolve करी, तो सुगर के घुलने के बाद और सुगर के डलने से पहले दोनों ही टाइम पे ये वॉल्यूम मेंटेन रहता है, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। ऐसा हो रहा है तो ये यहाँ पे मैटर की किस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है। तो भाई अगर हमने किसी भी चीज को कहीं डाला, फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात को समझिए, अगर मैं इस चॉक को इस चॉक होल्डर के अंदर डाल रहा हूं और इस क्या ये और ज्यादा चौड़ा हुआ है, नहीं, अगर ये और ज्यादा चौड़ा नहीं हुआ और जबकि चौक अंदर चली गई तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर उस चौक के जाने के लिए पहले से स्पेस अवेलेबल था। अगर स्पेस अवेलेबल नहीं होता तो क्या कभी भी अब चौक अंदर जा पा, नहीं। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे भाई जब आपने सुगर को वाटर में डाला और ऐसा करने पर भी वहां पे वॉल्यूम में कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब जो वाटर के पार्टिकल्स थे उन वाटर के पार्टिकल्स के बीच में खाली खाली जगह अवेलेबल थी, वैकेंट स्पेस अवेलेबल था, जिस स्पेस को उस सुगर के पार्टिकल ने ऑक्यूपाई कर दिया होगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम में कोई भी चेंजमेंट ऑब्जर्व नहीं होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर करते हैं। व्हेन सुगर इज डिसॉल्व in water, then there is no increase in volume, there is no increase in volume. इसका मतलब क्या होगा, it means some vacant spaces are present between water molecules which are occupied by the sugar particles। भाई हुआ क्या होगा,
उस लिक्विड वाटर में वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो वैकेंट स्पेसेस थे, उन वैकेंट स्पेसेस को सुगर के पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया होगा। जब कोई भी चीज खाली जगह में गई है तो फिर भैया वॉल्यूम में चेंज होने का कोई सवाल नहीं उठता, इसीलिए यहाँ पर कोई भी वॉल्यूम में चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इवन टू और थ्री क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट कैन इम्पार्ट कलर टू ए वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर इज इलस्ट्रेटेड बाय दिस ऑब्जर्वेशन। अगर हम लोग दो या तीन क्रिस्टल, छोटे छोटे पीसेस पोटेशियम पर मैग्नेट के वाटर में डाल देते हैं, तो ऐसा करने पर भी वो जो दो या तीन क्रिस्टल है वो पूरे के पूरे वाटर को अपना कलर प्रोवाइड करा देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है भाई? अगर कोई छोटे से चीजें, छोटे छोटे पीसेस पूरे के पूरे वाटर में अपने इफेक्ट को छोड़ रही हैं, तो इसका मतलब वो जो पीसेस थे, जो क्रिस्टल्स थे, वो फर्दर डिसोसिएट होकर के स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुए होंगे। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बनता है। इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने का काम ये ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या करेंगे? दिस ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन द फैक्ट दैट मैटर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड पार्टिकल्स, स्मॉल साइज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये इनिशियल 5 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है देखो, When an incense stick is lighted in one corner of a room, its fragrance is spread in the whole room quickly. Which characteristic of the particle of matter is illustrated by this observation? जब आप एक अगरबत्ती को रूम के किसी कॉर्नर में जलाते हैं, तो थोड़ी देर बाद पूरे के पूरे रूम में उसकी स्मेल आने लगती है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है, खुशबू है, वो फैलने लगती है। तो ये मैटर की किस करेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन कर रहा है? क्योंकि अगर यहाँ पे इन्होंने पूछा होता कि ये क्यों हो रहा है, तो हम सिंपली बोल देते डिफ्यूजन, बट इन्होंने पूछ लिया कि मैटर की कौन सी करेक्टरिस्टिक है। तो भैया डिफ्यूजन में क्या होता है, पार्टिकल्स इंटरमिक्स करते हैं, इंटरमिक्स कब करेंगे, जब मूव करेंगे। इसका मतलब ये किसको शो कर रहा है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूअसली किसमें होते हैं, मोशन में होते हैं। तो आंसर नंबर 6 का हो जाएगा, दिस ऑब्जर्वेशन explain that particles of matter are constantly या continuously in motion. Next है आपका क्वेश्चन नंबर 7। A piece of chalk be broken into small particles by hammering. What a piece of iron cannot be broken into small pieces by hammering. Which characteristic of the particle of matter is illustrated by these observations? आपसे बोला है कि आपने चौक ली और उस चौक की हैमरिंग करी, हैमरिंग मतलब हथौड़े से उसको पीटा। तो ऐसा करने पर जो चौक होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल में, चौक पार्टिकल पाउडर फॉर्म में टूटने लगता है। लेकिन अगर यही काम आप हल्के से किसके साथ कर दें, आयरन के साथ, तो क्या ऐसा होता है कि जितनी आसानी से ये चौक टूट गई और वो आयरन भी छोटे छोटे पीसेस में टूट गए? ऐसा तो ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो बोला गया है कि ये किस करेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं या आप इसे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो देखिए, अगर किसी भी जगह पर किसी भी चीज को तोड़ने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब उसके पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। चौक के केस में आप बड़ी आसानी से उसके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर पा रहे हैं, बहुत आसानी से उस चौक को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर पा रहे हैं। इसका मतलब चौक के पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है इन कंपेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच आर एक्सपीरियंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आयरन। तो हम लोग क्या बोलेंगे,
आंसर नंबर 7 क्या हो जाएगा? बी फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेटिंग बिटवीन चॉक पार्टिकल्स are weaker than the iron particles. Yeah, weaker than between the iron particles. यहां से हमने कंक्लूड करा कि जो चौक पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आयरन के पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपैरिजन में कमजोर है, जिसकी वजह से हम लोग चौक के पार चौक को बड़ी आसानी से ब्रेक कर पाते हैं जबकि आयरन को ब्रेक नहीं कर पाते। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द पार्टिकल विच मेक अप मैटर? मैटर को जो मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर के बनता है उनको साइंटिफिकली क्या बोलते हैं? देखिए नॉर्मली मैंने बताया कि वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं जो मिलकर के मैटर बना रहे हैं, लेकिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का तो मतलब हो गया कि जो मिलकर के बना रहे हैं, और उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को साइंटिफिकली क्या बोलते हैं? तो आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे अपनी क्लास 9th की केमिस्ट्री में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एक्चुअलिटी में मैटर जिन बेसिक पार्टिकल से मिलकर के बनता है वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। तो आप याद रखेंगे जिन पार्टिकल से मिलकर के मैटर बन रहा है साइंटिफिकली आप उन्हें क्या बोलते हैं? एटम और मॉलिक्यूल, या तो एटम बोलते हैं या फिर आप मॉलिक्यूल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। नेम द प्रोसेस व्हाई व्हिच ए ड्रॉप ऑफ इंक स्प्रेड इन ए बीकर ऑफ वाटर। उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसकी वजह से एक इंक की ड्रॉप पूरे के पूरे बीकर ऑफ वाटर एक बीकर में फैल जाती है जिसमें वाटर रखा हुआ है। तो मैंने बताया था कि जैसे ही आपने एक बूंद किसी इंक की वाटर में डाली तो क्या होगा, वो बूंद ए मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बनी, वो सारे के सारे पार्टिकल अलग होंगे और उस वाटर के साथ इंटरमिक्स होने लगेंगे, मतलब डिफ्यूजन होने लगेगा। तो जैसे ही इंटरमिक्सिंग की बात आती है तो आप हमेशा किसकी बात करेंगे? डिफ्यूजन की। तो आंसर नंबर 9 क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। पहला है 10 का, देखो रिजिड फॉर्म, रिजिड फॉर्म का मतलब जिसे आप कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, तो वो कौन है? सॉलिड। सॉलिड ही तो हार्ड होते हैं ना, तो जो हार्ड है वही रिजिड होंगे, तो रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर कौन हो जाएगी? सॉलिड। सेकंड देखो इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ फ्लूइड फॉर्म्स ऑफ मैटर। मैटर की फ्लूइड फॉर्म, फ्लूइड फॉर्म का मतलब जो फ्लो करने की एबिलिटी रखती हो, और फ्लो तो आपके लिक्विड भी कर लेते हैं और गैस भी कर लेते हैं, तो इसमें आंसर क्या चला जाएगा? लिक्विड एंड गैस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आउट ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस व्हिच वन हैज, आपको बताना है, तीन पार्ट पूछे क्वेश्चन नंबर 11 में कि सॉलिड लिक्विड और गैसेस में से किसके लिए मैक्सिमम मूवमेंट होता है पार्टिकल का। मैंने बताया था कि पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग होगा तो फिर पार्टिकल्स का मूवमेंट मिनिमम हो जाता है। तो सबसे कम मूवमेंट होता है सॉलिड में और सबसे ज्यादा मूवमेंट कहाँ होता है? गैसेस में। तो यहाँ पर उन्होंने 11 के पास में पूछा मैक्सिमम मूवमेंट, तो मैक्सिमम मूवमेंट कहाँ पे मिलेगा? गैसेस के केस में मिलेगा। सेकंड पार्ट देखो इसी का, मैक्सिमम इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। अरे भाई मैक्सिमम मूवमेंट का मतलब मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मिनिमम मूवमेंट का मतलब मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ मिलते हैं? सॉलिड के केस में। थर्ड वन, मिनिमम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। जब लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो फिर उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो क्या होगा? बहुत कम होगा, और लेस इंटर पार्टिकल डिस्टेंस भी कहाँ मिलेगा आपको? सॉलिड के केस में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
सब्सटेंस हैज ए डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। याद रखना, वॉल्यूम कैसा है? डेफिनेट है। शेप क्या है? डेफिनेट नहीं है, नॉट डेफिनेट। तो देखो भैया, मैंने बताया था सॉलिड के केस में वॉल्यूम भी शेप फिक्स होती है और शेप भी फिक्स होता है। लिक्विड के केस में शेप फिक्स नहीं होती लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। तो जब शेप फिक्स नहीं है, वॉल्यूम फिक्स है, तो ये प्रॉपर्टी किसको शो कर रही है? लिक्विड को। तो आंसर क्या चला जाएगा? लिक्विड स्टेट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नेम द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर व्हिच कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। आपको मैटर की उस फिजिकल स्टेट का नाम बताना है जिसको आसानी से आप कंप्रेस कर लेते हो। देखिए, कंप्रेस आप आसानी से उसे कर पाएंगे जिसके केस में पार्टिकल्स के बीच में सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस। भाई देखो, कंप्रेस करने का मतलब है चीजों को पास लाना, और पास तो कब आएंगे? जब पहले से दूर दूर हो। और सबसे ज्यादा दूर किसमें होती है? गैसेस में। तो सबसे ज्यादा एबिलिटी कंप्रेस होने की भी कहां पे होगी? गैसेस के केस में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ए सब्सटेंस हैज ए डेफिनेट शेप एज वेल एज डेफिनेट वॉल्यूम। एक सब्सटेंस है जिसकी शेप एंड वॉल्यूम दोनों की दोनों चीजें कैसी हैं? डेफिनेट हैं। डेफिनेट का मतलब कैसी है? फिक्स है। तो आपको बताना है स्टेट वेदर दिस सब्सटेंस इज सॉलिड लिक्विड और गैस, या इसकी आपको फिजिकल स्टेट बतानी है। देखिए, जब शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स हो, इसका मतलब पार्टिकल्स किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं कर रहे, और पार्टिकल मूव किसमें नहीं करते हैं? सिर्फ सॉलिड में। तो इसीलिए शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स किसमें होंगे? सॉलिड में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सॉलिड स्टेट। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। इस सब्सटेंस हैज नाइदर ए फिक्स्ड शेप नॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम। देखो, कंपैरेटिवली क्वेश्चन है। एक सब्सटेंस है जिसकी शेप भी फिक्स नहीं है और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं, मतलब दोनों में से कुछ भी फिक्स नहीं होता। और जब कुछ भी फिक्स नहीं है तो खूब सारा मूवमेंट हो रहा होगा, फ्रीली मूवमेंट हो रहा होगा, और ऐसा होता है सिर्फ कहां पे? गैसेस के केस में। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। नेम टू गैसेस व्हिच आर सप्लाइड इन कंप्रेस्ड फॉर्म इन होम्स एंड हॉस्पिटल। आपको दो गैसेस के नाम बताने हैं जो घरों में और अस्पतालों में कंप्रेस्ड फॉर्म में सप्लाई किया जाता है। देखो, घरों में कौन होता है? एलपीजी, और हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन। तो दोनों गैसेस के नाम हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 था ये। तो आंसर नंबर 16, होम्स में कौन होता है सप्लाई? एलपीजी, फुल फॉर्म याद है ना? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और हॉस्पिटल्स के लिए कौन होता है? ऑक्सीजन। तो ये दोनों याद रखेंगे, बड़े काम आते हैं ये दोनों ही चीजें, एलपीजी और हॉस्पिटल में किसकी सप्लाई होती है? ऑक्सीजन की। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ एलपीजी एंड सीएनजी। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे सीएनजी और एलपीजी की फुल फॉर्म पूछे।